तो अभी हम लोग हैं बिठौली गांव में, और अब हम लोग जा रहे हैं चंबल और यमुना के संगम पे, जहाँ चंबल नदी का नाम ख़त्म हो जाता है और वो यमुना बन जाती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहे हैं। वैसे वो संगम है भरे संगम कहते हैं, जो भरे सिटी है इटावा के पास, लेकिन यहाँ से भी देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। कहाँ भैया? मुआयना ना कर रहे भैया, हम ना पहुँच और वो उसका संगम देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर डालो। क्या नाम आपको? रामन। कौन से गांव का? बिठौली। बिठौली, अच्छा भैया। अभी हम आ रहे, ये भरे आना, भरे मतलब नीचे को, भरे का जो संगम है ना, वो यहाँ से रास्ता है ना जाने का? यहाँ से जाना सीधे हाथ पे, बंसरी से निकल जाओ। हाँ ठीक है, धन्यवाद भैया। ये हम बिठौली गांव में, बिठौली गांव से हैं। हाँ जी, इटावा में पड़ता है, पचंदे के पास। हाँ जी हाँ जी। हमारे यहाँ पहले काफी है जो दसू लोग रहते थे, जैसे पहले मलखान सिंह, मान सिंह है। अच्छा, यहीं के हैं ये? वो इसी क्षेत्र में रहने वाले तो और भी थे, चुनेला जो पास में है। हाँ जी, इसमें जगजीवन जो रहे हैं, जगजीवन ने जाता गैंग जो उन्हें समाप्त किया है। जगजीवन परियार। हाँ जी, जगजीवन परियार, नामचीन डाकू। हाँ, निर्भय गुर्जर, सब यहीं के हैं। सलीम डाकू, जखेता गांव, फूलन देवी वगैरह उनका। अच्छा, यहाँ छुपते थे? मलखान छुपने का, पांच नदियों का है तो जैसे पुलिस पार हो गया है, पार हो गया तो पुलिस कवर नहीं करती, बच गए, जो एरिया ज्यादा कवर करते। समझ गए आपकी बात। हाँ, जैसे यहाँ रह रहे हो, पुलिस को पता लगा कि जालौन से आ रही है, तो इस गए, इधर दस गए। समझ गए, समझ गए। तो एमपी में निकल गए, यूपी एमपी चलता रहता था, चार पाँच किलोमीटर वाले एमपी। बाबू डाकू पालन, पालन पालन जी, हमारे यहाँ करीब सात आठ गाँव में डाकू का सब रहता था। और अभी अब तो खत्म सब कुछ। अभी स्टार्टिंग में हमारे इधर एक हैं जो अभी वो तो मतलब हमारे अबे हमारे गांव में भी हैं। हाँ जी हाँ जी, ढेल के छूट के आ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो का नाम विजय तलवार। फिर अब आतंक नहीं है? विजय आतंक कुछ नहीं है, विजय तलवार है। रहने पे भी आतंक नहीं रहा, नहीं। अब तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो अपनी जिंदगी खेती बाड़ी चल रही है, और क्या। और वीडियो पे चार कभी आएंगे हम आपसे, अच्छे से मिलेंगे पूरा। और हम लोग जा रहे हैं, क्या था नाम, कचहरी गांव, जहाँ चंबल और यमुना का शायद संगम दिख जाता है। देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये भैया जो है, हम यहाँ शेरगढ़ में। जी जी, तो शेरगढ़ हम आए थे यमुना और चंबल का संगम देखने, संगम है। और हमें भैया मिल गए, क्योंकि हम लोग उस तरफ पार नहीं हो सकते, तो भैया बताएंगे हमें। ठीक है सर, बताइए आप जो पूछना चाहो हम बताएंगे आप। हाँ जी सर, सर ये आप क्या बता रहे थे, आप जो अपना बता रहे थे कि आप रियासत के हैं ना? हाँ, हम भरे रियासत के हैं। हाँ, भरे हमारी गद्दी है। हाँ जी जी, तो जो आपका वो सामने किला है। हाँ जी, वो आपका ही है जी। हाँ जी, तो आप मतलब अब उसके बाद अब आप यहाँ यहाँ जो खड़े हैं आप। हाँ जी, ये हमारे पूर्वजों का, हमारे जो फादर थे उनसे मान लो बड़े दादा, वो एक महात्मा जी हुए, वो उस जमाने में अंग्रेज शासन में ये इंग्लैंड पढ़ के आए थे। इंग्लैंड पढ़ के उन्होंने हमारी मिर्ज़ापुर में दुकान थी रेडीमेड की, मिर्ज़ापुर में, तो वहाँ से इनका दिमाग अपसेट हो गया, इन्होंने दुकान ख़त्म करके और वस्त्र नगिन होके मंदिर। हाँ, ये पीपल पर रहने लगे, 12 साल पीपल पर रहे, ऊपर नीचे उतरे नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं खाते थे। इसके बाद में हमारे घर वालों में प्रेस थी, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ये अपनी सिद्धि में प्राप्त हो गए, फिर सिद्ध पुरुष बन गए। फिर इनकी देश में बहुत, अपने क्षेत्र में इनकी थोड़ी प्रशंसा हुई कि महात्मा बहुत सही है। फिर उन्होंने लगभग सन 78 के लगभग इन्होंने समाधि संगम पे ली थी इधर जी, बीच संगम पे इन्होंने अपना विमान छुड़वा दिया था जिंदे जिंदे। ठीक है जी, समझ गए आपकी बात। तो अभी ये मंदिर है। हाँ जी, जिस हम खड़े हैं। हाँ, ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है, हमारे फादर के बड़े पिताजी, वो भाई का, हमारे पिताजी के बड़े भाई का। हाँ जी, हाँ ये जी, मंदिर है, मंदिर। हाँ, और यहाँ से हम संगम देख सकते हैं, कौन सा? हाँ, चंबल और यमुना। यमुना। हाँ, ये आप यहाँ से खड़े हैं तो राइट हैंड से आपको इटावा से यमुना आ रही है। हाँ, और ये मध्य प्रदेश से चंबल आ रही है, आ रही है। और संगम हमारे सामने हुआ है, किला के सामने हमारी जहाँ स्टेड है, भरेश्वर किला जी। और यहाँ भरेश्वर का एक मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, इसके ऊपर जी। हाँ जी हाँ जी, ये ठीक सामने। हाँ जी हाँ जी, वो दिखा दूंगा मैं कैमरे बाद में। हाँ, तो सर ये अभी यहाँ से अगर हमें वहाँ जाना है तो अभी कोई रास्ता नहीं है? पुल नहीं, रास्ता नहीं है, पुल बन रहा है। हाँ, पुल अभी ये चालू नहीं हुआ है। हाँ जी हाँ जी, तो ये इस साल बाढ़ आने की वजह से पीपा इधर उधर भाग गए हैं,
तो इसलिए अब पीपा इधर उधर से आ रहे हैं, अब ये महीना 15 दिन के अंदर अंदर फिट हो जाएगा, ये अगली बार तक सहेगा। हाँ, फिर बाढ़ में फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, हर बार ऐसे ही होता है। हाँ, पुल बमायन का पुल है ये सामने, पीपू का पुल है, जो कि जब बाढ़ आती है तो बह जाता है, हटा दिया जाता है। इस साल ज्यादा बाढ़ आने के कारण अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब ये कुछ 15-20 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हम भरे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आप ये जाएंगे फिर इधर से भरे का पुल उधर है, आप जा सकते हैं। इंदौर के पास एक जगह है वहाँ से चलती है, उसके बाद उसका नाम पहले कुछ और होता है, सतलुज होता है, फिर जाके जब कोटा से आती है तो उसका नाम चंबल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आके चंबल खत्म हो जाती है, ये भरे पे इसका चंबल नाम खत्म हो जाएगा, चंबल नाम खत्म हो गया, यमुना हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, समझ गए। नीचे ठीक है, 5 किलोमीटर चल के 3 किलोमीटर। हाँ जी, पचना देख लो हमने, देख लिया। हाँ देख लो, वहाँ 5 नदी का है। हाँ वो देख लो हमने, क्योंकि वो तो देख लिया हमने, हमें ये चंबल देख रहा था, मेन चंबल का खत्म होती है, इसलिए हम इधर आए आपके पास। को हम यहाँ से दिखा नहीं पा रहे, लेकिन यहीं पे चंबल और यमुना का संगम होता है। चंबल दिखा दिया आपको मैंने ऊपर से, लेकिन संगम में दिखा नहीं पाया ध्यान से, लेकिन आप अगर वहाँ से आओगे भरे से तो आपको पूरा साफ दिखेगा, चंबल ऊपर आप जाएंगे सारा नजर आएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमें भरे जाना है तो हमें अभी इटावा से होके जाना पड़ेगा, आगे जाना नहीं, आपको इटावा होके नहीं जाना पड़ेगा, आप जिस रास्ते से आए हैं। हाँ जी, पहले हनुमानपुरा चौराहे से आए, वो चौराहे से उल्टा घूम, और चौराहे से आप उधर से आए होंगे भिंड की तरफ से आए होंगे, आप फूफ होके आए। हाँ जी, फूफ होके आए हो, फूफ से आप आए हो, तो चौराहे से आप बिल्कुल ये लेफ्ट हैंड पे चकर नगर क्रॉसिंग सीधा भरे पहुँच जाएंगे। ठीक है भैया, समझ गए आपकी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें पूरा बताया इसके बारे में, हम बात पहुंच नहीं पाए लेकिन भैया ने हमें पूरा नॉलेज दे दी इस चीज़ की। ये भैया लोग हैं, ये यहाँ की देखभाल करते हैं मंदिर की। ये है महाकालेश्वर मंदिर, और ये तट है यहाँ का जहाँ पे हम पहले गए थे।